बाबा ने आज सभी को एकत्रित किया, जितने भी ब्रजवासी हैं सबको बुलाया और कहा कि जिस दिन से हमारे कन्हैया ने जन्म लिया है उस दिन से कोई ना कोई विपत्ति इस पर आती रहती है, कोई ना कोई राक्षस मारने आता रहता है, किसी प्रकार की विपत्ति घेरती रहती है। इसलिए हमें अब लगता है कि इस स्थान का हमें परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात गोकुल जैसी कोई परम पावन भूमि हो तो बताओ अब हमें गोकुल छोड़ करके वही निवास करना चाहिए। तो नंद बाबा के भाई ने बताया कि एक परम पावन स्थान है, नाम है क्या, नाम है वृंदावन। महाराज एक ही परम पावन भूमि है, वो है वृंदावन। सुंदर सभी ने अपने सामग्रियों को बैलगाड़ियों में सजाया और एक क्षण भी नहीं सोचा। महाराज प्रभु इसीलिए ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और छोड़ करके सब कुछ त्याग करके उस वैभव को सुख को और चले गए कहाँ, वृंदावन में। वृंदावन में कुछ भी नहीं था उस समय, सिर्फ वृंदा अर्थात तुलसी, उसका जो वन था वही था वृंदावन। न कोई घर थे, न मकान थे, न वैभव था, न ऐश्वर्य था, न सुख था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक परमात्मा की खुशी के लिए, अपने लाला की खुशी के लिए ब्रजवासियों ने सब त्याग दिया। इसलिए भगवान को ब्रजवासी परम प्रिय है, प्राणों से प्रिय है, कि जिन्होंने कुछ नहीं देखा, एक क्षण में सबरी संपत्ति को त्याग करके चले गए वृंदावन। वही सुंदर अपनी बैलगाड़ियों को लगाया और उसी में निवास करने लगे, वृंदावन धाम बसा दिया सुंदर कन्हैया ने।